माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं और इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा होकर मैं अपनी बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोग सरकार बदलते हैं। बेटा प्लीज अपने लोग प्लीज बैठे, नहीं वो बोल रहे हैं, प्लीज बैठे, वो सही बोल रहे हैं सदस्य, प्लीज बैठे, आई विल नॉट अलाउ, प्लीज बैठे, ये हाथ जोड़ने का सवाल नहीं है, वो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोग सरकार बदलते हैं इस उम्मीद में कि इस बदलाव से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, उनके परिवार की हैसियत में सुधार होगा, उनके बच्चों को जो एक सामान्य जिंदगी से वंचित है वो मुख्य धारा में आकर के एक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे, इस उम्मीद में वो सरकार बदलता है। और राजस्थान में हम देख रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पिछले 20 साल से एक के बाद एक लगातार लोग इस उम्मीद में सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इसका जो अभिभाषण इस सरकार का पहला इस सदन में रखा है उसमें कहा है कि गांधी जी के सिद्धांतों एवं आदर्शों को आत्मसात कर आम जन की सेवा के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी के कई भजन रहे, कई उनके वाक्य रहे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीढ़ पराई जाने रे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ठीक पीछे महात्मा गांधी जी का एक चित्र लगा हुआ है और उसमें सिर्फ अधो वस्त्र उन्होंने पहना हुआ है। महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका के दौरे से अफ्रीका से लौटे भारत में, और बाल गंगाधर तिलक जो महान स्वाधीनता सेनानी थे उनसे उन्होंने कहा कि मैं किस रूप में काम करूं, तो बाल गंगाधर तिलक ने उनसे कहा कि आप भारत के लोगों के बीच में जाओ, उनकी जिंदगी को जानो, भारत को समझो। वो कस्तूरबा गांधी के साथ निकले और उड़ीसा में जब उनकी एक सभा थी तो उस गांव में जहां सभा थी 4 बजे की, कस्तूरबा गांधी उनकी सारे मकान बंद पड़े हुए थे, तो वो ये पता करने के लिए निकली कि मकान क्यों, जो भी झोपड़ियां वगैरह क्यों बंद पड़ेगी, तो किसी ने खोला नहीं झोपड़ी का, जो भी अटका हुआ जैसा भी द्वार था, एक झोपड़ी से वो द्वार खुला, उसमें 3 महिलाएं थी। तो मां ने उनसे पूछा कि गांधी जी की सभा है, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे, तो उनमें से एक महिला ने कहा कि हम आना तो हम सभी चाहती हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही साड़ी है इसलिए हम नहीं आ पा रहे। वो दिन था महात्मा गांधी ने वो कोट और पैंट त्याग दिए और ये वस्त्र धारण किए कि मेरे देश के अंदर जिस वतन में का रहने वाला हूं वहां मेरी मां बहनों के पास पूरे पहनने को वस्त्र नहीं है, मैं इसका त्याग करता हूं। ऐसे महान आदर्श को लक्ष्य रख के मौजूदा सरकार अपना काम प्रारंभ कर रही है। दूसरी तरफ इससे पहले भी जो सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और हम सब ने देखा कि दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं पे प्रतिमाएं लगी, सड़क के नामकरण उनके नाम पर हुए, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि दीनदयाल उपाध्याय वो शख्सियत थे, वो जब यात्रा भी करते थे तो सामान्य श्रेणी की गाड़ी में करते थे, और कहीं जाकर के वो प्रवास भी करते थे तो वो एक धर्मशाला में जाकर के रुकते थे। वो उन आदर्शों और उस चरित्र को लेकर के चलने वाले लोग थे। लेकिन आज हम किस तरफ जा रहे हैं, ये राजस्थान का सर्वोच्च सदन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसने उन परिस्थितियों में जागीरदारी उन्मूलन कानून पारित किया, बीजेपी को बोला दो कानून, देश के अंदर सबसे पहले गोहत्याबंदी का कानून लाया, सूचना का अधिकार सबसे पहले जिस प्रदेश में लाया, ऐसी प्रगतिशील विधायिका के बीच में हम लोग उपस्थित हैं। और आज उन सब महान नेताओं का मैं स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने ये क्रांतिकारी कानून इस सदन के माध्यम से पारित किए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे सत्ता पक्ष के मित्रों से जरूर पूछना चाहूंगा कि आप
उस महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुयायी है जिसने इस देश का मुस्तकबिल खड़ा किया, जिसने इस देश का निर्माण किया और इस देश की सेवा के अंदर अपना कतरा कतरा न्योछावर कर दिया। आपको याद होगा उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स खत्म करने जैसे क्रांतिकारी निर्णय लिए थे, लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार के सदन में आपने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी एक ऐसा कानून पारित करने का काम किया कि जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री को मकान की सुविधा, 20-20 स्टाफ की सुविधा और तमाम तरीके के वो सारे साधन उपलब्ध कराने का काम आपने किया। आज बहुत अच्छा होता कि जब आप ये अभिभाषण लेकर के आए तो आप इस अभिभाषण में कहते कि हम सर्वोच्च न्यायालय की भावना का, उसके निर्णय का सम्मान करते हैं जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने दिया है। हम महात्मा गांधी के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, हम लोगों के वोट से सेवा का अधिकार प्राप्त करने वाले लोग हैं, हम कोई माँ के पेट से पैदा हुए राजे महाराजे नहीं है। इंदिरा गांधी ने तो प्रीवी पर्स खत्म किया, आपने ये क्या चालू कर दिया? कोई पूर्व मुख्यमंत्री है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सारे सदन के सामान्य सदस्यों को सुविधा प्राप्त है वही सुविधा रहनी चाहिए। अगर आप समाज के सबसे अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को सम्मान देना चाहते हैं, तो अगर महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, तो मैं आपसे अपील करता हूं सभापति जी के माध्यम से कि आप इसी सदन में वापस वो कानून लेकर के आइए और जो इस तरीके की सुविधा पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए की गई है आप उसको वापस लीजिए। तभी आपका यह सार्थक होगा कि आप महात्मा गांधी के आदर्शों में विश्वास करने वाले लोग हैं, आप इंदिरा गांधी को मानने वाले लोग हैं।